अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त जवाद हैदर रैश फार्म शेखुपुरा से जी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने इसकी कटिंग और सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब इस स्टेज में हम इसकी जो है वो जर्मिनेशन करवा रहे हैं। जिंजर की जर्मिनेशन करवाने के लिए हमें 2 से 3 इंच रेत हमने नीचे बिछाई है, उसके बाद हमने इसके ऊपर सीड लगाया है। सीड लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम जो है 1 इंच की रेत की तह ऊपर बिछा देंगे। उसके बाद हम इसको पानी देंगे, पानी देने के बाद शेड वगैरह इसके ऊपर लगा देंगे, जिसकी वजह से ये 20 से 25 दिन लेगी जर्मिनेट करने में। इसका जैसे हम पहले बता चुके हैं कि पहले इसकी हम कटिंग करते हैं सीड की। सीड की जब हम कटिंग करेंगे उसको 24 से 48 घंटे दरकार होते हैं, ताकि जो उसका राइजोम जहाँ से कटिंग हुई है वो सख्त हो जाए। जब वो सख्त हो जाता है इसका, उसके बाद हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए थायोफेनेट मिथाइल और जो ऐसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मेटल एक्सल मैनकोसिप वगैरह वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करने के बाद जब इसके बर्ड हम अपना राइजोम को उसके अंदर 24 घंटे के लिए रखते हैं, 15 मिनट मैक्सिमम रखते हैं। 15 मिनट रखने के बाद हम इसको 24 घंटे मज़ीद सूखने के लिए देते हैं। जब वो सीड सूख जाए फिर इसका हम जो है रेत के अंदर इसकी जर्मिनेशन करवाते हैं। तो जब ये हमारा 20 से 25 दिन में फूट जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको फील्ड के अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे। बंद कर देना है।